हे दोस्तों, अक्सर मूवी देखते समय आप इस तरीके के सेंटेंसेस को सुनते होंगे जहाँ पर कोई एक्टर या एक्ट्रेस बोलती है, ये तो बस वही जाने, ये तो आप ही जाने, ये तो वही लड़की जाने कि उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया, ये तो पापा जाने कि उसने मुझे जाने क्यों नहीं दिया। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग अक्सर डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल और कमाल का स्ट्रक्चर है, आप इसको जानते हैं, लेकिन इस तरीके के सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे ओनली। इन सभी सेंटेंस को बयां करने के लिए ओनली वर्ड का यूज करेंगे। सबसे पहले लगाइए ओनली, उसके बाद सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, और आपको ध्यान रखना है उसके बाद जो वर्ब आएगा या तो भी वन आएगा या तो भी फाइव आएगा। यदि सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट ही सीट सिंगुलर नाउन हो तो भी फाइव लगाइए। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल हो तो भी वन लगाइए। इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। ये तो बस वही जाने, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ओनली सी नोज इट। ओनली सी नोज इट मीन्स ये तो बस वही जाने। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो आप ही जाने कि खजाना कहाँ है, या नहीं तो कभी ऐसे बोलते हैं ये तो सिर्फ आप ही जाने कि खजाना कहाँ है। ओनली यू नो दिस वेर इज़ द ट्रेजर। ओनली यू नो दिस वेर इज़ द ट्रेजर। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो बस वही लड़की जाने कि उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ओनली दैट गर्ल नोज वाई डिड सी डिसीव यू या वाई डिड सी बिट्रे यू। बिट्रे या डिसीव का यूज करते हैं धोखा देने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो पापा जाने उसने मुझे जाने क्यों नहीं दिया। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ओनली डैट नोज दिस वाई डिडंट ही लेट मी गो। ओनली डैट नोज दिस वाई डिडंट ही लेट मी गो। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश देता हूँ, इसको ट्रांसलेट करिए, ऐड करिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन क्लिक कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय। हे दोस्तों, अक्सर मूवी देखते समय आप इस तरीके के सेंटेंसेस को सुनते होंगे जहाँ पर कोई एक्टर या एक्ट्रेस बोलती है, ये तो बस वही जाने, ये तो आप ही जाने, ये तो वही लड़की जाने कि उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया, ये तो पापा जाने कि उसने मुझे जाने क्यों नहीं दिया। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग अक्सर डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल और कमाल का स्ट्रक्चर है, आप इसको जानते हैं, लेकिन इस तरीके के सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे ओनली। इन सभी सेंटेंस को बयां करने के लिए ओनली वर्ड का यूज करेंगे। सबसे पहले लगाइए ओनली, उसके बाद सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, और आपको ध्यान रखना है उसके बाद जो वर्ब आएगा या तो भी वन आएगा या तो भी फाइव आएगा। यदि सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन हो तो भी फाइव लगाइए। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल हो तो भी वन लगाइए। इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। ये तो बस वही जाने, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ओनली सी नोज इट। ओनली सी नोज इट मीन्स ये तो बस वही जाने। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो आप ही जाने कि खजाना कहाँ है, या नहीं तो कभी ऐसे बोलते हैं ये तो सिर्फ आप ही जाने कि खजाना कहाँ है। ओनली यू नो दिस वेर इज़ द ट्रेजर। ओनली यू नो दिस वेर इज़ द ट्रेजर। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो बस वही लड़की जाने कि उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ओनली दैट गर्ल नोज वाई डिड सी डिसीव यू या वाई डिड सी बिट्रे यू। बिट्रे या डिसीव का यूज करते हैं धोखा देने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो पापा जाने उसने मुझे जाने क्यों नहीं दिया। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ओनली डैट नोज दिस वाई डिडंट ही लेट मी गो। ओनली डैट नोज दिस वाई डिडंट ही लेट मी गो। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस का यूज काफ़ी ज़्यादा करते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं कैसा रहा एग्जाम, कैसा रहा पार्टी, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस वहाँ, कैसा रहा तुम्हारे दोस्त की शादी। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऐड करेंगे हाउ वॉज।
हाउ वॉच को राइट करने के बाद आपको लगाना पड़ेगा योर, हिज या हर, जो भी आएगा। अगर तुम्हारा तो योर, सामने वाले से पूछेंगे तो उसका तो हिज, कोई लड़की रहेगी तो हर, कोई नाउन भी आ सकता है, और लास्ट में अदर वर्ड्स को राइट कर देंगे। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और लिखते समय क्वेश्चन मार्क लिखना मत भूलिएगा, या क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, कैसा रहा एग्ज़ाम, सामने वाले से पूछ रहे हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हाउ वॉज योर एग्ज़ाम, हाउ वॉज योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट सेंटेंस, कैसा रहा पार्टी, हाउ वॉज योर पार्टी, हाउ वॉज योर पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस, कैसा रहा एक्सपीरियंस तुम्हारा वहाँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस देयर, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, कैसा रहा तुम्हारे दोस्त का शादी। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हाउ वॉज द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड, हाउ वॉज द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, कैसी रही मूवी, मीन्स कैसा रहा मूवी, हाउ वॉज योर मूवी, हाउ वॉज योर मूवी। हेलो दोस्तों, वेल आज से मैं आप लोगों के लिए एवरी डे एक न्यू फ्रेज लेके आऊँगा, जो आप इन सभी फ्रेज को अपने कॉन्वर्सेशन में एडअप कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। वेल आज के वीडियो में हम लोग कौन सा फ्रेज सीखने वाले हैं, लूज ट्रैक ऑफ टाइम, लूज ट्रैक ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है समय का पता नहीं चलना, मतलब समय ऐसे बीत जाता है कि समय का पता ही नहीं चला। जैसे कि मूवी देखते देखते समय का पता ही नहीं चला, उससे बात करते करते समय का पता ही नहीं चला, गर्लफ्रेंड से बात करते करते समय का पता ही नहीं चलता है, विंटर सीजन में समय का तो पता ही नहीं चलता है कब रात हो जाती है। तो समय का पता नहीं चलना, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं लूज ट्रैक ऑफ टाइम, लूज ट्रैक ऑफ टाइम। इसको आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में तीनों ही टाइम में यूज कर सकते हैं। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पता है, बस टेंस के अकॉर्डिंग टू ये बनेगा। यहाँ पर जो वर्ब है लूज, लूज लॉस्ट, लॉस्ट लूजिंग, लूजेज, आपके फॉर्म है ये पांचों फॉर्म। मैं उम्मीद करूँगा आपको टेंसेस आते होंगे, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं एडवांस इंग्लिश, तो आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग टू इसको बनाना है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये जो है फ्रेज और भी बेटर तरीके समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है, उससे बात करते करते समय का पता ही नहीं चला, ये है पास्ट की बात बोल रहे हैं। तो इसके लिए बोलेंगे I lost track of time while talking to her. I lost track of time while talking to her. यहाँ पर आपको लगेगा नहीं के लिए मैंने नेगेटिव का तो यूज किया ही नहीं। आपको मैं बता दूँ, समय का पता नहीं चलना इसके लिए फ्रेज ही है लूज ट्रैक ऑफ टाइम, तो नोट नहीं आएगा, हमेशा अफर्मेटिव के तरीके से बनाया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते समय का पता ही नहीं चलता है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे, ये प्रेजेंट का, तो इसके लिए बोलेंगे I lose track of time while teaching English. I lose track of time while teaching English. ये lose नहीं है, lose है, ये lose. Next sentence देखते हैं, winter समय में समय का पता ही नहीं चलता है। तो इस sentence के लिए बोलेंगे, अगर हमें तो we लगा सकते हैं, subject भी change कर सकते हैं, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं We lose track of time in winter. We lose track of time in winter. हे गाइज, इसे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। दोस्तों वीडियो कैसी लगे थे, अच्छी लगे थे, लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकॉन को हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।